गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। ये 14-15 तारीखों में हैदराबाद सिटी और तेलंगाना देश भर में भी ये संक्रांति फेस्टिवल अलग अलग नामों से मनाते। संक्रांति हमारे तेलुगु स्टेट्स में मनाते और संक्रांति के तौर पे अक्सर दो चीज़ें होते। यहाँ कहीं भी रहने तो अपने जाति मकाम को, अपने नेटिव प्लेस को जाने के लिए कोशिश करते। अगर वैसा कोई भी अपने घर छोड़ के आप लोग दूसरा शहर को जा रहे, तो सबसे गुजारिश है, हमारा फलकनुमा डिवीज़न पुलिस एरिया पर हवाम को सबसे गुजारिश है, आप लोग अगर जाने का है तो आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, आपके जुडिक्शन पुलिस स्टेशन में बताइए। हम लोग गश्त करने के लिए हम एक स्पेशल केयर लेके हम गश्त करेंगे। हमारे सीपी साहब शिवानंद साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हम लोग ये सुविधा सबको देने दिया गया। आप लोगों से गुजारिश है, घर में कुछ भी सोना पैसे और कीमती चीज़ें कौन से भी नहीं रखना, और उसको एक एहतियात के तौर पर एक अच्छे जगह से बैंक में या नहीं तो लॉकर में कहीं भी रखे लेके जाओ, या नहीं तो आपके साथ लेके जाओ। लेकिन जब भी आप घर छोड़ के जा रहे हैं इस फेस्टिवल सीजन में, आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इत्तला देने से हम लोग गश्त कराएंगे। और दूसरी चीज़ है, सबको मालूम है हैदराबाद सिटी में पतंग मशहूर है। ये 14-15 तारीखों से शुरू हो जाता, ज़्यादा हो जाता, ये हॉलीडेज भी है, बच्चों को भी हॉलीडेज है, पतंग उड़ाते रहते। ये पतंग उड़ाने से दो चीज़ें याद रख लेना, आपके बच्चे अब स्कूल्स कॉलेजेस हॉलीडेज रहने से पतंग उड़ाने के शौक़ से पतंग उड़ाते, वो लोग बिल्डिंग के ऊपर जाके पतंग उड़ाते। वहाँ पर बिल्डिंग पे पैरापेट वाल अगर नहीं है तो बच्चों को जाने नहीं देना, और नगे जैसा कुछ फैसिलिटी करना, वो लोगों को कुछ वो करना, ऊपर जाके नीचे गिर जाने के चांसेस रहते। बहुत लोग बच्चे तैश में आके पतंग काटना वो ये रहता, उसमें तैश में आके नीचे गिरने के चांसेस रहते। और जो वर्शिपिंग प्लेसेस, चर्च, मस्जिद, देवाल, ये कहीं भी पतंग नहीं उड़ाना वो प्लेसेस में। और थोड़ी जगह भी इसको मौज मस्ती करते हुए थोड़े लोग ये लाउड स्पीकर्स रखे, इस पर साउंड बॉक्सेस रख के चलाते। किसी का बिल्डिंग पे अगर कर रहे हैं तो लोगों का परमिशन लेना, और इसके लिए परमिशन पुलिस वालों से भी परमिशन लेना है, अगर लाउड स्पीकर लगाना, म्यूज़िक प्ले करना है तो। और वो रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे के अंदर नहीं करना, दिन में ही करना है। और ये इसका एक एनवायरमेंटल एक्ट के तहत ये कमर्शियल एरिया में डे टाइम में 65 डेसिबल्स और नाइट टाइम में 55, ये रेजिडेंशियल एरिया में 55 डे में, 45 नाइट में, साइलेंट जोन में 50 और 40, रात में 40 डेसिबल से नहीं रहना, 10 बजे से पहले बंद करना। और आप लोग किसी हाल ये पब्लिक प्लेसेस रहते हैं, ये अब वर्शिपिंग प्लेसेस जो इबादत का करने का प्लेसेस है, देवल हो या चर्च हो या मस्जिद हो, उस जगह में पतंग उड़ाना बैन किया गया, वो करेक्ट नहीं होता। और आप लोगों से गुजारिश है, आप तहदिल से आप सबको हम संक्रांति के मुबारकबाद दे रहे हैं, और हंसी खुशी से मना लो, सेफ्टी और प्रिकॉशंस लेके मना लेने के लिए फलकनुमा डिवीज़न पुलिस से हमारे सीपी साहब और डीसीपी साई चैतन्य साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हम सभी आप लोगों को और एक बात सबके नज़र में लाना चाह रहा हूँ। ये पतंग उड़ाए जो चाइना मांझा यूज़ करते, चाइना मांझा बैन है। चाइना मांझा अगर आदमी का गले को लपेट लिया तो भी आदमी का गला भी कटने के उतना चांसेस रहते हैं, उतना तेज़ रहता वो बैन है। मेहरबानी करके वो नहीं यूज़ करना बोल के हम सबसे गुजारिश कर रहे हैं। और जो है सो अगर वो कहीं भी टूट के है तो भी परिंदे पैरों को लगे तो भी, परिंदे भी बहुत कुछ मर चुके हैं, मर जा रहे हैं। और ये बर्ड्स को भी अपन सेव करना अपना फ़र्ज़ है, इंसानियत के तहत अपना फ़र्ज़ है। अगर कहीं भी आप लोगों को ऐसा चाइना मांझा को कहीं भी परिंदा अगर लग गया, ये लोग ये अपने हैदराबाद सिटी के दी एनिमल वारियर कन्वर्जेशन सोसाइटी वाले आके बचाने के वास्ते वो लोग एक स्टेटमेंट भी आज ईनाडो पेपर में आया था। वो फ़ोन नंबर जो है सो 9697887888, और एक बार बोल रहा हूँ 9697887888, ये नंबर को कॉल करके बोल दो, वो लोग अगर परिंदा अगर जिंदा है तो आके वो लोग बचाते। आप ये भी नज़र में रख लेने के लिए हम आप सबसे गुजारिश कर रहे हैं।